दोस्तों, कैसे आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुवैत के कुछ ऐसे जॉब के बारे में, जिसे आप आसानी से, अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, तो 1 से 1.5 लाख 2 लाख कमाना बहुत बड़ा बात नहीं है। हाँ, एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा होना चाहिए और आपको मेहनत करनी होगी यहाँ भी आके। तो अगर आप इस तरह से करते हैं कुछ ऐसे जॉब में, तो ईजी वे में आप 1 लाख से ऊपर तो आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला जॉब अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहला जॉब है HVAC के बारे में दोस्तों। HVAC यानी AC टेक्नीशियन, HVAC के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं ये ना कि सिर्फ कुवैत की बात है, पूरे गल्फ़ कंट्री, जितने भी 4-5 गल्फ कंट्री हैं जिसमें लोग जॉब के लिए जाते हैं या जाना चाहते हैं। तो अगर आपको HVAC का अच्छा नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है दोस्तों, हाँ ये बता दूँ कि अगर आप आज़ाद वीज़ा में जा रहे हैं, अगर कंपनी में जाएंगे तो वहाँ से आपका सैलरी तय रहेगा, तो आप ओवर टाइम लगाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा नहीं कमा सकते, 50-60 हज़ार तक कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप आज़ाद वीज़े में आते हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा कि आपका अच्छा अगर नॉलेज है इस फील्ड में, तो HVAC, देखिए गल्फ जो है ये गर्म इलाका है, आप लोग अच्छे से मालूम, बहुत ज़्यादा यहाँ 2 महीने ठंड होती है, बाकी 9-10 महीने गर्मी ही होती है। और हमारे यहाँ जिस तरह से पंखे का इस्तेमाल है, मतलब कि झोपड़ी से लेकर महल तक बड़े बड़े जगहों पर पंखे अभी आराम से इस्तेमाल सारे लोग करते हैं, उसी तरीक़े से यहाँ पे AC का इस्तेमाल होता है, चाहे वो सेंट्रलाइज AC हो, स्प्लिट AC हो, विंडो AC हो, सारा चीज़ का यहाँ पे यूज़ होता है बड़े पैमाने पे दोस्तों। तो जैसे यूज़ होगा तो उसमें आपको काम भी निकलेगा, काम भी मिलेगा, तो उसका बहुत ज़्यादा काम है। तो अगर आप नॉर्मल सर्विस के लिए जाते हैं कहीं कुवैती में, या बड़े घरों में कुवैती लोग बुलाते हैं सर्विस के लिए, तो आपको तो सबसे पहले आपके जहाँ पे जगह है, जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ से आपको पिकअप करेंगे। ये बहुत अच्छा हमको सर्विस यहाँ पे लगा कि ज़्यादातर लोग आपको वहाँ से ले जाएंगे, खुद आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद ले जाएंगे। अगर आपके पास गाड़ी है अपनी या जा सकते हैं वो अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ पे ले भी जाते हैं, अपने खर्चे पे ले जाएंगे। खाना का वक्त हो गया तो आपको खाना भी खिलाएंगे, या खाना का अलग से पे करेंगे, और जो काम आपने किया है उस काम का अच्छा खासा रिवॉर्ड आपको मिलेगा, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, मेहनताना मिलेगा। क्योंकि वो लोगों को मालूम है इंडिया में वैसा नहीं, मतलब आप जो आप काम कीजिएगा, कभी क्या होता है कि जितना आप काम किए उससे कम ही पैसा आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जो भी काम कीजिएगा 100% आपको उसमें अच्छा पैसा ज़्यादातर मिलता है। कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसे कंजूस होते हैं जो थोड़ा सा कम दे देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही कम रहेगा आपके लिए, वो भी सफिशियंट रहेगा। तो इस तरह से मैं आपके अगर आप 1 दिन का आप जोड़ लें, तो नॉर्मल अगर आप सर्विस भी करते हैं, तो 50-60 दिनार से लेके 150 दिनार तक लोग सर्विस का ही, सिर्फ चाहे स्प्लिट AC हो या नॉर्मल विंडो AC हो, उसका भी लोग चार्ज करते हैं। तो अगर 2 के 3 के ग्रुप है तो 40-40 दिनार, 50-50 दिनार ईच एंड एवरी, या 30-30 दिनार तो मिनिमम वो लोग रूम पे लेके आते ही हैं डेली। तो इस तरह से आप ले, तो आप 50 दिनार का भी एवरेज मान ले, तो महीने के 1500 KD हो गया, तो आप जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, यानी आपका लगभग कि 3 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये ईजी है। तो आप अगर रूम पे आराम भी करके, मतलब 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 1 दिन रेस्ट किया, इस तरह से भी करते हैं, तो आप महीने के आराम से 1 से 1.5-2 लाख रुपये तो आराम से कमा सकते हैं। तो ये हो गया पहला। दूसरा जॉब चलते हैं, दूसरा जॉब ये है दोस्तों, जेनरेटर टेक्नीसियन, जेनरेटर मैकेनिक का। आप अच्छे से जानते हैं कि जितना भी गल्फ कंट्री है वो ऑयल फील्ड एरिया है, यहाँ पे फ्यूल का कमी नहीं है, डीजल का कमी नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा जनरेटर यहाँ पे यूज़ होता है, छोटा जनरेटर से लेके बड़े बड़े जनरेटर तक, 16 सिलेंडर, 18 सिलेंडर जनरेटर तक यहाँ पे बहुत ही बड़े पैमाने पे यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है, चाहे वो मॉल में हो, बैंक में हो, कुवैतियों के घर में हो, या मिनिस्ट्री वगैरह हो गया, बड़ा बड़ा गवर्नमेंट का सेक्टर हो गया, बिल्डिंगें हो गई, हर जगह इंस्टॉल होता है जनरेटर और यूज़ भी होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा काम निकलता है। तो अगर आपके पास जनरेटर का अच्छा नॉलेज है, तो आप इसमें भी आ सकते हैं, और इसमें भी बहुत अच्छा, मतलब आपको पैसा मिलता है, बहुत अच्छा मेहनताना मिलता है। अगर आप अच्छे ओवरहॉल मैकेनिक हैं, मतलब टैलेंटेड, पूरे ओवरहॉल इंजन को कर देंगे, तो आपको एक ओवरहॉलिंग का ही 200-150 दिनार मिलता है दोस्तों। मतलब कि जो कंपनी, मतलब कि इतना ज़्यादा आपको मिल जाएगा कि आप 1 महीना तक आराम से, 2 दिन 4 दिन भी काम कीजिएगा तो 1 महीना गुजार सकते हैं, और नॉर्मल सर्विस का भी अच्छा मिल जाता है, 40 दिनार, 30 दिनार, 25 दिनार। तो इस तरह से इसमें भी आप इजी वे में आराम करते हुए, हर दिन काम करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपको काम मिले इजी वे में आप आराम करते हुए काम भी कीजिएगा बाहर में, तो आप आराम से 1-1.5 लाख 2 लाख रुपया बना सकते हैं,
लेकिन इसमें क्या है कि आपको एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि उतना काम जानते नहीं चले गए इंजन को खोल दिया या कुछ ऐसा सिस्टम खोल दिया आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम आप अच्छा से सीख के आइए, बिल्कुल आप अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। तो दूसरा हो गया। तीसरा हो गया लिफ्ट टेक्नीशियन, जिसको इलेवेटर बोलते हैं। यहाँ पे इलेवेटर लिफ्ट हर जगह लगा होता है, इवन कि यहाँ पे अगर कुवैतियों का घर है तो वो लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इलेवेटर लगवा लेते हैं, बैंकों में, मॉल्स में, बिल्डिंग्स में, हर जगह यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स हैं सारे में इलेवेटर लगे होते हैं। तो इसमें इसके मेंटेनेंस के लिए और सर्विस के लिए और मतलब कि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के लिए सारों के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोग हायर करते हैं या मतलब प्राइवेट में भी काम चलाते हैं। तो इस तरह से आप जाके कहीं भी सर्विस कर दिया, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो अच्छा सैलरी इसमें भी आपका बनता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट है मैकेनिक का जॉब, यानी कि गाड़ी, व्हीकल, कार, ट्रक, ट्रेलर, ये सब का जो मैकेनिक है इसमें भी बहुत अच्छा सैलरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में गाड़ी यूज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा शोरूम्स है, बहुत ही ज़्यादा सर्विस सेंटर है, और लोग एक एक आदमी, जैसे हमारे इंडिया में हर आदमी के पास अभी के टाइम पे पर्सनल बाइक होती है, उसी तरह से यहाँ पे हर इंसान के पास पर्सनल कार है, किसी किसी के पास दो 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 तीन तीन चार चार है। कुवैतियों के पास तो समझ लीजिए कि हर दिन का एक अलग कार यूज करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, ट्रक्स बहुत ज़्यादा है यूज़ होने वाली चीज़, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल भी कम है, फ्यूल का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप एक बार कार ले लीजिए, आराम से आप फ्यूल फुल टंकी करा के यूज़ करते हैं लोग। तो मतलब कि मैकेनिक का भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, मांग है, और अच्छी कमाई हो जाती है यहाँ पे। अगर आप आज़ाद वीज़े में हैं तो आप घूम घूम के अच्छी कमाई कर सकते हैं। एक बार आपने पहचान बना लिया, अपना नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आप अच्छी कमाई। तो ये दोस्तों कुछ जॉब मैंने बताया, इस टाइप के जॉब में अगर आप आ जाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप कंपनी में या फिर आज़ाद वीज़ा में खासकर बहुत अच्छे तरीके से पैसा बना सकते हैं, कमा सकते हैं। तो जो चैनल पे नए आए हैं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक सपोर्ट करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें। मैं इसी तरह की वीडियो लाते रहता हूँ, क्वाइट ब्लॉगिंग से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड। दोस्तों के लिए दोस्तों गुड बाय।